आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट है, लास्ट वाला वीडियो जिसमें मैंने पूरा स्टोरी शेयर किया है, हमारे घर पे इल्लीगली कब्जा हुआ है, तो वो वाला वीडियो और ये वाला वीडियो जितना हो सके अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो, ट्विटर पे प्लीज शेयर कीजिए। देश में एक बेटी और एक बुजुर्ग माँ के साथ क्या होता है ये लोगों तक पहुँचे, ये एक जस्टिस है। एक बेटी का और एक माँ का, बुजुर्ग माँ जो ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट है, उनकी लड़ाई है। तो प्लीज जितना हो सके ये वीडियो, दोनों वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि मुझे कहीं से भी कुछ मदद मिल जाए। मम्मी का खुद का घर है भाई, और खुद का घर पे घुस नहीं पा रहा है, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रहे, पुलिस यहाँ पे चुपचाप है, ये क्यों है मुझे नहीं पता है। ये क्वेश्चन है हमारे देश के सिस्टम के ऊपर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले कभी ऐसा रिक्वेस्ट आप लोगों से मैंने नहीं किया है, लेकिन मम्मी का कष्ट देखे मैं और नहीं रुक पा रही हूँ। मम्मी गई थी, मम्मी घुस नहीं पाई घर पे, मम्मी जस्ट सिर्फ देखने के लिए गई थी, हम कोई घर पे घुसने के लिए नहीं है। जब तक सॉर्ट आउट नहीं होते, पुलिस जब तक सॉर्ट आउट नहीं करते, तब तक मैं चाबी भी नहीं लूंगी। लेकिन मेरा मम्मी का मन था घर को एक बार देख के आऊं, और घर पे कुछ मम्मी का शादी का भी कुछ सामान है, शादी का टाइम का, वो लेके आ जाओ। इसीलिए पुलिस के परमिशन से ही उन्होंने बोला था, हाँ आप जाओ, कोई आपको नहीं रोक सकता। लेकिन पुलिस ही खुला नहीं पाए, एक घंटा वेट किया, कुछ नहीं हुआ है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, पहली बार शायद जिंदगी में मैं आप लोगों से कुछ मांग रही हूँ। मेरी मम्मी को और मुझे इंसाफ चाहिए, कोई मिनिस्ट्री लेवल पे या कोई एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस लेवल पे, कोई किसी का सोर्स है तो प्लीज मेरा मदद कीजिए। मेरे फादर का प्रॉपर्टी, बहुत मेहनत करके फादर ने ये प्रॉपर्टी बनाई थी, लेकिन पापा ने बोला था जो हम बेचेंगे तो अपने दम पे बेचूंगी। किसी भी कोई भी पॉलिटिकल या कोई भी मिनिस्ट्री लेवल पे भी किसी का कोई हेल्प अगर कर सकते हो तो प्लीज करना, इंडिया से भी किसी भी कोने से भी आप कर सकते हो तो प्लीज करना। हमारे घर को मम्मी को मुझे सौंपना है, या तो खरीदना है, जो खरीद रहे हैं तो वो अपने पैसा दे के खरीदे, ना कि फ्री में घर के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, आपको अगर कॉन्टेक्ट करना है तो व्हाट्सएप जरूर करना, या तो मेरा मदद कीजिए, स्पेशली मेरे मम्मी को मदद कीजिए। अभी मॉर्निंग में उठ के रेडी हो गए, मम्मी यहाँ पे झींगा छील रहे हैं, झींगा तुरे। मम्मी का मिक्सी लाना मैं भूल गई, अरे हड़बड़ करके आए ना, तो मेरा वाला मिक्सी मम्मी बोली थी लेके आ जाऊंगी, बाद में तू खरीद लेना। मैंने सोचा था नया खरीदूंगी तो, या तो मेरा वाला लेके जाएगी। अभी हड़बड़े में मतलब नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी तब लेके आऊंगी, या तो मैं कुरियर कर दूंगी। तो छोटा वाला मिक्सी अच्छा होता है ना, छोटा जार में थोड़ा सा खसखस पीस सकते हैं। यहाँ पे काम कर रही है और रूम्पा यहाँ पे काम कर रहा है। रूम्पा होता है ग्रोसरी चेक कर रही है, क्या क्या ग्रोसरी है या नहीं है, कीड़ा लगा है या नहीं है। स्वीटी का सबसे प्यारा वाला रिश्ता आया है गोलू और नो, पिछले बार मिल नहीं पाए, पिछले बार तेरा एग्जाम था ना। अब एग्जाम कैसा चल रहा है, सब खत्म? अच्छा, दीदी आई है मिलने के लिए। मैं अभी पंजाब में और पुलिस स्टेशन आई थी, यहाँ पे पंजाब में पुलिस स्टेशन आई थी, बार बार मैं पुलिस स्टेशन गए थे, वहाँ पे बातचीत हुआ, दो दो बार मुझे फिर से और एक बार आके बुलाया गया है। वो लोग होता ना पुलिस के ऊपर एक ट्रस्ट मनुष्य लेके जाता है, लेकिन वो ट्रस्ट शायद एक तरफा ही होता है, मतलब आप लोग सोच लो, मतलब एक तरफा ही होता है, उन्हीं की बात सुना जा रहा है, हमारी बात कुछ भी सुना नहीं जा रहा है। तो देखते हैं अभी उनको भी समझ में आ गया होगा, जो एक लड़की अगर बॉम्बे से आके इतना कुछ कर रही है, मतलब इतना प्रॉब्लम में है, तो मतलब मेरे घर पे कोई घुस के बैठा हुआ है। लेकिन वो लोग बेसिकली एक तरफ ही सुन रहे हैं। मैंने बोला भी, मतलब जो आपको सुनने की जरूरत नहीं है, मैं सही हूँ ऐसा भी नहीं है, मैं सही हमेशा हो सकती हूँ ऐसा थोड़ी है, दोनों तरफ में आपको सुनना है, दोनों तरफ में सुन के पुलिस होता है, देखो उनका तो दिमाग रहता है ना, तो हाँ कौन सही है कौन गलत है। तो ये भी देखते हैं, फिर से जा रही हूँ किसी लॉयर के पास सजेशन लेने के लिए। अभी आसान से लाई हूँ कुछ काम के लिए, वही बोला ना काम के लिए मैं भाग रही हूँ उससे। देखते हो भगवान भी है, भगवान जब रहता है तो सच, और मतलब मैं अगर झूठी होती, मैं झूठ होता तो मुझे डर रहता, मैं डरू क्यों, किसी के सामने झुकू क्यों, जब सच हूँ। इतना दिन झुक के देख लिया, 6 महीना झुका गिड़गिड़ाया,
लेकिन अब झुकना बंद, जब तो बोलते ना गर्दन जब कट जाते तब झुकना ही बंद कर देना चाहिए। आसनसोल कोर्ट आई हूँ कुछ काम के लिए, सब घूम रही हूँ। आसनसोल कोर्ट पिछले बार भी आई थी, इस बार भी आ रही हूँ। कागज वागज के चक्कर है, मतलब प्रशासन से आपको मदद नहीं मिलता है तो ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है ना पुलिस के ऊपर, जुडिशियल सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये आलू पोस्त, ये है कुछ सब्जी, ठंडा गोभी का सब्जी, जल का ये सारे सिंपल देसी खाना, स्पेशली आलू पोस्त। तुम्हारे बॉयस को तो बॉयस 82 में काम कर रहे, देखो कितना मतलब खाना दे रहा है। 82 কত ফিট অল্প, হ্যাঁ অল্প ফিট, দাদু একদম শক্ত ভক্ত একদম। তোমার বয়সে আমরা কি হবে যাই না, ভালো জিনিস খাচ্ছি কোথায় গো, সব আমরা ভেজাল খাচ্ছি, কোথায় এখন তো সব ভেজাল ভেজাল, ভেন্ডি ভাজা পটল देखना। और ये क्या है, बुरा मत सोचना, कैसे होता है जिंदगी, लेकिन भाई रियलिटी ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में तो आपको कुछ उल्टा ही दिखाते हैं। अभी हम लोग रानीगंज थाना है, पंजाबी मोड़ थाना गए थे, रानीगंज थाना आसनसोल गए थे कोर्ट में कुछ काम था, उसके बाद रानीगंज थाना आए है। यहाँ पे स्वीटी कंप्लेन जो है वो लिख रही है, क्योंकि आज मुझे फीवर लग रहा है एकदम, रिटर्न कंप्लेन देना ही पड़ रहा है, अदरवाइज मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है उनको घर खाली कराने का। आज मेरा फीवर आ चुका है एक्चुअली, बेसिकली मेरा पैरासिटामॉल खाऊंगी हुई, सुबह से लग रहा था, कल रात से, क्योंकि इतना हड़बड़ी में आई अचानक सडनली सब कुछ, और सबका हो भी रहा है, तो अभी दोपहर से मुझे लग रहा है फीवर में, तो देख के लगता है ना मतलब गरम जैसा लग रहा है, तो इसलिए स्वीटी को बोला स्वीटी तू लेके दे, उसके बाद मैं साइन करूंगी। मुझे नहीं पता कल तो मिसबिहेव किया गया है, तो बड़ो बाबू जो है रानीगंज का, उन्होंने बोला रिटर्न कंप्लेंट दे दो, उसके बाद हम देखते हैं क्या कर सकते हैं किसी का घर पे आप घुस के बैठे हुए हो तो खाली तो कराना ही पड़ेगा घर, क्योंकि वो भाई मेरा घर है, पापा ने बना के गया था, हाँ मैं वो जो भी करूंगी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, पापा जो बोल के गए थे मैं बेचूंगी क्या रखूंगी, वो मेरी मर्जी होगा, मेरी मर्जी से, मेरे मम्मी की मर्जी से होगा, लेकिन बाहर से कोई मेरे घर पे घुस जाए ये टॉलरेट नहीं हो रहा है। सो अल्टीमेटली उन्होंने बोला, पुलिस ने बड़ो बाबू पंजाबी मोड़ के बड़ो बाबू, तो बोला रिटर्न कंप्लेन दो तो हम लोग एक्शन लेंगे। तभी मम्मी को लेके अचानक से आना पड़ा है, मम्मी बार बार फोन कर रही क्या हुआ, ऑब्वियसली वो घर मम्मी बेच रही थी, किसी को हैंड ओवर करना अलग होता है, कोई घुसपैठी जैसा घर पे घुस रहे ना, मम्मी का दिल पे लग रहा है वो, मम्मी घर बेच ही रही थी वो, या बेचेगी जो भी करेगी वो उनकी मर्जी से होगा, वो खुद हैंड ओवर करेगी, लेकिन एक कोई घर पे अपने घर पे घुसपैठी जैसा मतलब फोर्सफुली बैठा हुआ है, मतलब ना उनका जमीन है ना छत है ना कुछ है, मेरा और मेरी मम्मी के नाम पे है अभी, तो ये टॉलरेट मम्मी को भी नहीं हो रहा। ऑब्वियसली घर बनाया था भाई, किसी को बेच के किसी को सौंपना, किसी का घर बनना बन जाता है वो मेरा हालत खांसी हो रहा, गला पूरा बैठ गया और पूरा फीवर जैसा एकदम लग रहा है। अभी हम लोग रिटर्न कंप्लेंट देने जा रहे हैं, देखते हैं। पुलिस थाना में यहाँ पे काली मंदिर है रानीगंज पुलिस स्टेशन में, बहुत धूमधाम से पूजा होते हैं, मैं पहली बार आ रही हूँ क्योंकि पुलिस स्टेशन ऑब्वियसली कभी आई नहीं, और आप सब माँ का दर्शन कर लीजिए, माई ये सबसे भी उद्धार करेगी, पता है ना दुष्ट से नाश करना माई का माँ का ही काम है, बच्चे को रक्षा करना। अभी आ रही हूँ, मेरा हालत एकदम, मैंने मेडिसिन ली बोला डर गया, खांसी हो रही, बात करने में बहुत तकलीफ हो रही, गला बंद हो रहा है, फीवर, तो मैं मेडिसिन खाऊंगी अब। अरे रुको रुको थाम। मम्मी को आज फीवर आया, अब मम्मी अभी अपना वीडियो का काम कर रही है, क्योंकि ये इधर जो सब कुछ हो रहा है
और उसके वजह से मम्मी को टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए आज कर दिए। कुछ काम की वजह से ना स्ट्रेस और इतना कुछ ना, मैं दो दिन से कोई वीडियो नहीं दे पाई, तो थोड़ी देर बात से हाय। हेलो करो। हेलो 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 हेलो। सांतोरो भी वहाँ पे अकेले, क्योंकि नया घर है ना, सबको संभालना मुश्किल है, मेड को संभालना मुश्किल है, वो उनका टाइमिंग अलग है। और मेरा एकदम सुबह से कल से हुआ था, लेकिन आज एकदम 103 के आसपास फीवर है, बहुत ज़्यादा। एक पहले होम्योपैथी मेडिसिन थी उसमें, लेकिन काम करने में टाइम लगता है। ऑफ कोर्स होम्योपैथी फीवर जब आया तो मेडिसिन और लेना ही पड़ता है, क्योंकि आंखें जल रही है। आज धीरे धीरे मस्त खाना बना है, उनको आलू का सब्जी है, ये है कोल्ला गाजर, ये दाल मस्त एकदम। आज का लंच दीदी के हाथ का, और मम्मी का फीवर फिर से आ गया, इसलिए मम्मी सोई हुई है। मम्मी को बहुत टायर्ड लग रहा है। अभी हम लोगों को बाहर जाना था, लेकिन मम्मी का जब तक फीवर ना ठीक हो जाए तब तक बाहर नहीं जा सकते, तो मम्मी का फीवर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मम्मी ने मेडिसिन भी खा लिया, तो चलो ठीक हो जाए। काम के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे, 8 बजे भी जा रहे। अभी थाना गई थी 8:30 बजे, 9 बज गया बड़ो बाबू से मिलने के लिए। मैंने जो कंप्लेंट दिया था, किसी ने मेरे घर पे ज़बरदस्ती घुसा है, मुझे नहीं पता कौन है, तो उनको सारी चीज़ें सुनाने के लिए जो मेरे साथ इतने दिनों से क्या हुआ है। मैंने इसीलिए बड़ो बाबू के पास ही जाना समझा, क्योंकि मुझे लगता था रानीगंज का बड़ो बाबू बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बोलते ना न्याय का विचार, मुझे कोई दया माया नहीं चाहिए, मुझे कोई सिंपति नहीं चाहिए, लेकिन न्याय जो विचार जो बोलते हैं ना न्याय, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। मुझे इतने दिनों का कष्ट जो हुआ है, इतनी जो प्रॉब्लम मैं फेस किया मेरा हेल्थ से लेके मेरा ये सब चीज़ें, लेकिन उसका न्याय विचार चाहिए। मैंने तो किसी के सामने झुकी नहीं, ट्रस्ट करके उनको टाइम दिया, 6-6 महीना टाइम दिया। जो घर मतलब खरीद रहे थे पहले, वो लोग बाद में खरीद नहीं पा रहे क्योंकि उनका ड्राफ्ट गलत है, पैसा तो दे ही नहीं पाए पिछली बार जब आई थी। तो आपके पास मैं सब कुछ बोल रही हूँ, इतने दिनों से मेरे साथ जो हुआ है, मेरा कोई, मैं किसी से कोई भिक्षा नहीं मांग रही हूँ, किसी से कोई कोई सिंपति नहीं मांग रही हूँ। इतने दिनों से मेरा न्याय चाहिए मुझे। मैं जितना सफ़र किया है, मेरा पैसा दे नहीं पाए, मैं जो भी पूरी कहानी, तो उन्होंने सुना बहुत अच्छी तरह से, इसीलिए मुझे बड़ो बाबू के ऊपर एक ट्रस्ट था, पता नहीं क्यों। बहुत सारे लोगों के पास गई थी, लेकिन किसी के ऊपर मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, लेकिन पता नहीं एक इंटेंशन होता है, और उनके बारे में बहुत सुना था जो हाँ बहुत अच्छे हैं, सुनेंगे आपकी बातें, न्याय जरूर करेंगे। पूरा दिन 103.4 फीवर है, नॉर्मली 100 तो पैरासीटामोल खा रही हूँ, फिर भी 100 से नीचे नहीं उतर रहा, तो इसीलिए पूरे दिन नहीं जा पाई थी। मुझे लगा था सुबह में जाना ठीक है, लेकिन उठ ही नहीं पा रही, तो क्या ले। रात 10 बजे छुट्टी आई है। हेलो, ये मिठाई लेना, क्योंकि यहाँ पे मिठाई आए और मिठाई ना खाए, कुछ भी हो जाए मिठाई खाना तो बनता है ना। स्वीटी बंगाली मिठाई पेड़ा नहीं, एकटू ठाकुर जो स्वीटी बोले, बचपन में अगर मैं आती ना तो सारे चॉकलेट खरीदती। मैं बोला अभी ख्याल है बाबा रे, एटा की बात है, ओ पॉप करा है बचपन का फिर। आज स्वीटी का भी फीवर आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे साथ रह रही है, मेरा तो कल मैं मेडिसिन खाते जा रही हूँ। मम्मी क्या कर रही है, सुबह से मेरा नहाना हो गया, स्वीटी का भी नहाना हो गया। मम्मी क्या टेक्निक लगा के साग चुन रही है, साग इसको कहते हैं, इस तरह से साग चुना जा रहा है। मम्मी का बोठी यह है, इसको बोलते हैं बोठी। बोठी नीचे भी बैठते हैं, ऊपर में भी बैठते हैं। बोठी को नीचे बैठते हैं तो मम्मी नीचे नहीं बैठ सकते, इसीलिए चेयर के ऊपर बैठ के साग बाछा जा रहा है। लाल साग, लाल खड़ी, देखो इतना मोटा मोटा होता। मम्मी ने यहाँ पे इतने सारे सब्जियाँ लिया है, सब्जी वाला आया था देने के लिए। मम्मी आज भी वेट कर रही, कब फोन आएगा, कब वो काम, मतलब होता है ना सरकारी काम, ऐसे ही वेट करते करते। अभी कितना 10 दिन भी नहीं हुआ शिफ्ट हुई हूँ, तो वही अभी यही चल रहा है। अभी स्वीटी का भी आज सुबह से फीवर, कल रात से ही मुझे लगा था, और वैसे मेरे साथ है ना सब हमेशा, तो मैंने देखा उसका टेम्परेचर 102 के आसपास था, 2 से ऊपर था, तो तभी मैंने उसको मेडिसिन पैरासीटामोल दे दिया।
और होम्योपैथी मेडिसिन लाई वो भी दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। पुलिस आई है, घर घुस नहीं पा रही, फिर भी अभी क्या करें, यहाँ पर बैठे हुए पुलिस के बावजूद भी घर नहीं घुस सकती। सोचो ऐसा देश है हमारा, सोचो। मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ, मम्मी को वहाँ पर बैठाया है, अभी देखती हूँ। पुलिस भी कोशिश कर रही है, सोचो। मेरा मैं कुछ खा के भी नहीं आई, कुछ नहीं खाया। दिस ना ओके, अरे नॉर्मल हो गया। बोला है जब मैंने आरो गला बस जब पुलिस के परमिशन से मम्मी को लेके गई थी, क्योंकि मम्मी को एक बार घर देखना था और घर पे कुछ सामान, अभी भी बहुत सारे सामान है, लेकिन मम्मी को कुछ सामान लेके आना था। होता है ना, मम्मी का खुद का घर है भाई, और खुद का घर पे घुस नहीं पा रहे, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रहे। पुलिस एक घंटा रहा, खुलवा नहीं पाए, या खुलवाना नहीं चाहते मुझे नहीं पता है, लेकिन वही ना, ये घर पापा ने शौक से बनाया है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ये हमारे और मम्मी का नाम पर है, लेकिन पुलिस यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही। मम्मी को वापस ले रह जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी का भी तबीयत को ध्यान में मुझे देखना पड़ेगा। फिर भी एक बेटी इतना कुछ कर रही है, लेकिन पुलिस यहाँ पे चुपचाप है, ये क्यों है मुझे नहीं पता है। ये क्वेश्चन है हमारे देश के सिस्टम के ऊपर, हमारे देश का क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा।